हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तमाम वो कैंडिडेट जो मेडिकल में आज से उपस्थित हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेडिकल से रिलेटेड एक डाउट तो ये है कि क्या कोई रिटर्न सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि मेडिकल फिट हैं। तो आपको ये बात बता दूँ कि यदि आप डिटेल मेडिकल में फ़िट होते हैं, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट में यदि आप किसी प्रकार रिजेक्शन मिलता है आपको, तो आपको रिटर्न पेपर दिया जाएगा आपको कि किस वजह से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। अब मेडिकल होता है, उसमें मेडिकल में यदि आप डिटेल मेडिकल में आप फिट हो गए, आपको जनरली कोई पेपर नहीं दिया जाता। मैक्सिमम सेंटर्स पर नहीं दिया जाता, कुछ सेंटर्स पर सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। कुछ सेंटर्स पर प्रोसीजर बना हुआ है ऐसा कि वो फिट का सर्टिफिकेट दे देते हैं या एडमिट कार्ड पे सील लगा देते हैं कि मेडिकल फिट, लेकिन जनरली नहीं दिया जाता। लेकिन यदि आप रीमेडिकल आपको मिलता है, यानी कि आप अनफिट होते हैं, तो आपको नेक्स्ट डे रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है। रीमेडिकल का जो रिज़ल्ट होता है वो चाहे फिट हो चाहे अनफिट हो, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। फॉर्म नंबर 4 जो था वो था पहले पुरानी भर्ती में, उसको अभी हटा के उसकी जगह नया फॉर्म है, लेकिन वो सेम ही है। और उसमें आपको आपका रोल नंबर, नेम, पूरा फादर्स, हस्बैंड नेम, जेंडर, आपके पहचान के चिन्ह, मेडिकल अफसर खुद लिखते हैं, कई बार कैंडिडेट से भी लिखवा लेते हैं, और रीज़न फॉर मेडिकल अनफिटनेस कि किस वजह से मेडिकल में आपको अनफिट किया गया। वो जैसे यहाँ पर देखिए, लेफ्ट TM परफोरेशन, यानी इनका कान का प्रॉब्लम है, और दूसरा वेरिकोज वेन राइट लेग। अब रीमेडिकल जो होता है उसका ओपिनियन, ब्रीफ ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइंडिंग देयर ऑफ, तो ऑडियोमेट्री हुआ इनका, डेट लिखा हुआ है इसमें, शोज नॉर्मल हियरिंग। अब परफोरेशन तो था लेकिन हियरिंग नॉर्मल है, ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ, यानी कि पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो हुआ है और उसमें ये नॉर्मल हियरिंग आ गया। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है उसमें, यहाँ पर ये लिखा है कि सर्जरी फॉर वेरिकोज वेन्स हैज़ बीन डन ऑन 20th October 2019 फॉर बाइलेटरल वेरिकोज वेन्स इन्वॉल्विंग। अब ये देखिए पूरा मेडिकल जो टर्म लिखा हुआ है आगे, तो सर्जरी जो है वो मेडिकल वेरिकोज वेन का किसी भी तरह का, वेरिकोज वेन का किसी भी तरह का जो ट्रीटमेंट है वो फिट नहीं है। अब यहाँ पर उस आधार पे इनको अनफिट कर दिया गया, ऑपरेटेड केस किस आधार पे, देखिए फिट या अनफिट जो भी होगा वो बताया जाएगा। अनफिट ऑपरेटेड केस ऑफ वेरिकोज वेन्स इन्वॉल्विंग ग्रेट स्पैन ऑफ वेन्स बोथ लोअर लिम्स, और ये सेक्टर हेडक्वार्टर BSF का है, और देखिए मेडिकल अफसर जो हैं वो भी यहाँ पर, 3 डॉक्टर का जो बोर्ड है उसका सिग्नेचर हो गया। अब इसमें नीचे लिखा रहता है, नोट द डिसीजन ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल, नो अपील विल बी एंटरटेन अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने जो कर दिया वो फाइनल है, उसके खिलाफ क्या किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं है। देखिए पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके आपको अनफिट किया जाता है, आप कोई अपील का प्रावधान नहीं है। लेकिन आपको कहीं भी लगता है कि मुझे बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए हुए अनफिट कर दिया, या मेरा कलर डॉपलर टेस्ट नहीं किया, या मैंने तो ऑपरेट नहीं करवाया था, मेरा तो फोड़े का निशान था, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया। इस केस में एक कैंडिडेट जो है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने ऑपरेट करवाया था, तो उस स्थिति में ये बाहर हो गए। अब ऐसा ही देखिए आपको आगे क्या प्रोसीजर हो सकता है वो बताते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने हमारे देखे कि कोर्ट केस करके मिला वर्दी, वीट में आउट कर दिया, आधा किलो में आउट कर दिया, 1 किलो में आउट कर दिया, BMI के अकॉर्डिंग नहीं किया, वेरिकोज वेन में अनफिट कर दिया, डॉपलर टेस्ट नहीं किया, कैरिंग एंगल में अनफिट किया, कैरिंग एंगल का एक्सरे नहीं किया, आँख में अनफिट किया, स्क्विंट में उसका चेक नहीं किया, प्रॉपर ओपिनियन नहीं लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्रोच किया और वो रिट पिटीशन उनकी अलाउ हुई। अब हाईकोर्ट में अप्रोच करने से देखिए, हाईकोर्ट डायरेक्ट फिट या अनफिट घोषित जनरली नहीं करता है। एक केस में हमने ऐसा भी देखा कि जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने बर्थमार्क के केस में
डायरेक्ट फिट घोषित किया कैंडिडेट को, लेकिन री मेडिकल का ऑर्डर होता है कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन री मेडिकल किया जाए। माननीय रांची उच्च न्यायालय का जो फैसला था उसमें तो ऐसा भी हुआ कि जो रिम्स में मेडिकल होता है दोबारा, और उसमें रिम्स के डॉक्टर, सीआरपीएफ के डॉक्टर और एक जुडिशियल अफसर, स्टेट जुडिशियल सर्विस जो है उसके एक अफसर जो हैं वो भी उस बोर्ड के मेंबर बनाए गए, कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो होना चाहिए। अब आपको एक फैसला भी दिखाते हैं हाल ही का, जिसमें एक कैंडिडेट को वेट में आउट किया गया था और उनका रिट पिटीशन अलाउ होते हुए उनको री मेडिकल बोर्ड का उनको आदेश मिला। अब ये देखिए, आपको माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला दिखाते हैं। फैसला दिखाने से सब पहले हम हमारा जो लीगल साइट है जो ये सब जानकारी उपलब्ध करवाती है, indiancanoon.org, उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं इस फैसले के लिए। सुरेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर ऑन 1 जून 2023, ये एक्चुअली BSF ट्रेड्समैन भर्ती का मैटर है 2021-22 का, जिसके मेडिकल हुए थे मई के महीने में और 1 जून को देखिए फैसला आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिट पटिशन नंबर आप देख रहे हैं, एडवोकेट्स जो हैं वो देख रहे हैं, और BSF की तरफ से जो ऑफिसर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है, द पटिशनर इन हिज रिट पटिशन हैज़ मेड फॉलोइंग प्रेयर्स टू सेट असाइड द रिजेक्शन स्लिप डेटेड 18 मई 2023। 18 मई 2023 को इनका मेडिकल हुआ था, जिसका रिजेक्शन स्लिप को क्वेश करने का, सेट असाइड करने का प्रेयर किया इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यू टू ओवरवेट, जिसमें इनको अनफिट कर दिया था ओवरवेट। और दूसरा, टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू कंडक्ट अ फ्रेश मेडिकल बोर्ड एंड मेडिकली एग्जामिन द पिटिशनर अ फ्रेश एंड इफ द पिटिशनर इज फाउंड फिट ही मे बी कंसिडर्ड एंड गिवन अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल बार्बर इन द BSF। द पिटिशनर वॉज मेडिकली एग्जामिन्ड बाई द मेडिकल बोर्ड वेयर ही वॉज फाउंड टू बी 75 kg एंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अनफिट ड्यू टू ओवरवेट। अब ओवरवेट देखिए, डिटेल मेडिकल में 1 किलो भी यदि है चार्ट के अकॉर्डिंग तो उसमें भी अनफिट किया जाता है। री मेडिकल में भी 1 किलो में अनफिट किए गए, बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन स्लिप हमारे पास आते रहते हैं कैंडिडेट्स के। अब उसके बाद पटिशनर जो है वो अपने लेवल पर ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दैट इज अंसारी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में इन्होंने अपना चेकअप करवाया और वहाँ पर इनका वेट आया 67.3 kg। तो अब दो ओपिनियन, अब देखिए 2 दिन में वेट या 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग किया है, तो इतना वेरिएशन कैसे आ सकता है। कीपिंग इन व्यू द डिफरेंस इन टू मेजरमेंट्स, वी हियर बाई डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू मेजर द वेट ऑफ द पिटिशनर अगेन विद इन 2 वीक्स। 2 सप्ताह का इनको समय दिया गया कि 2 सप्ताह में इनका वेट दोबारा से नापा जाए। द मेजरमेंट टेकन बाई द रेस्पोंडेंट दिस टाइम शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, कि इस समय जो मेजरमेंट होगा वेट का वो दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा। द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ। तो यहाँ पर आपने देखा कि 75 किलो फोर्स के मेडिकल अफसर 75 किलो कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने मेजर करवाया वहाँ पर उनका 67.3 kg आता है जो कि अकॉर्डिंग टू वेट चार्ट है, तो उसके आधार पर इन्होंने चैलेंज किया और इनकी रिट पिटिशन अलाउ हो गई। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको गलत तरीके से अनफिट किया जा रहा है, री मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है, तो वो जो नीचे नोट लिखा हुआ है उसके ऊपर नहीं जाना, उसके बाद भी आपके पास अधिकार है। और डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें कोर्ट केस जीत कर वर्दी मिला, ऐसे एक नहीं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें ट्रेड्समैन से लेकर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट तक की भर्ती के कैंडिडेट हैं जो कि ऑनरेबल हाईकोर्ट्स को अप्रोच किए और वहाँ से उनको रिलीफ मिला और उसके बाद मिली वर्दी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ फैसला जो है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए कि आपके साथ यदि ऐसा होता है तो आप भी इस तरीके से जो लीगल फाइट है वो कर सकते हैं, लीगल बैटल
कर सकते हैं, और किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। तो बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।